हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग ग्रो के अंदर फीचर ऑप्शन ऑन करा सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन है ना, आप लोग कैसे इसे ऑन कर सकते हो। देखो, इसमें अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो, अगर आप लोग इसमें पैसा लगाते हो ना, तो कुछ ही मिनटों के अंदर आप लोग की जो पैसा है ना, वो डबल ट्रिपल और 100 गुना भी हो सकती है। तो इसीलिए फीचर एंड ऑप्शन बहुत मतलब एक अच्छी चीज़ यहाँ पे आप लोग को देखने को बेसिकली मिल जाती है। ये बेसिकली आप लोग को ग्रो के अंदर पहले देखने को नहीं मिल रहा था। आप लोग को एंजल वन के अंदर या जोरोधा के अंदर आप लोग को देखने को बेसिकली मिल रहा था, बट कुछ दिन से मैं यहाँ पे ग्रो के अंदर भी आप लोग को ये फीचर एंड ऑप्शन की जो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जा रहा है। तो कैसे आप लोग को इसे ऑन करना पड़ेगा, कैसे आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करके आपकी जितने भी पैसा लगाई हुई है ना, कैसे उसे डबल ट्रिपल या 100 गुना भी कर सकते हो, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और एक बात, यहाँ पे आप लोग को कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, कैसे आप लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करके कितनी टाइम लगेगी उसे अप्रूवल लेने के लिए, उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे आप लोग को ये जो ग्रो की साइट को यहाँ पे ब्राउजर के अंदर ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप लोग चाहते हो कि एप्लीकेशन के अंदर उसे ओपन करना, तो आप ओपन भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप लोग चाहते हो कि मोबाइल के अंदर करना, तो सिंपल आप लोग क्या करोगे, क्रोम के अंदर जाओगे और वहाँ पे ग्रो की जो वेबसाइट है उसके अंदर ओपन करोगे, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके आप लोग डेस्कटॉप साइट के अंदर चले जाना। वो यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे आ चुकी है, तो यहीं पे आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्लीट चीज़ें देख सकते हो। जैसे आप लोग के पास अगर पीसी है या ना है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को मोबाइल के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल अभी मैं तो ऑलरेडी ऑन कर चुकी हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग को ऑन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ फीचर एंड ऑप्शन के ऊपर। तो जैसे ही क्लिक करोगे, ये रहा उसका इंटरफेस। आप लोग की वेब ब्राउजर के अंदर अगर इस तरह की इंटरफेस नहीं दिख रहा, तो आप लोग को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ये तो सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, बट ये जो यहाँ पे टिक मार्क आ रहा है ना, स्टार्ट ट्रेडिंग फीचर एंड ऑप्शन, ये आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। इसके जगह आप लोग को मिलेगी कमिंग सून, या आप सबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग ग्रो के अंदर आप लोग ऑप्शन करना चाह रहे हो, तो कैसे आप लोग उसे अनलॉक कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग को अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप लोग थोड़ी देर वेट कर सकते हो, नहीं तो अगर आप लोग को ये ऑप्शन अगर मिल गया होगा, तो डेफिनेटली आप लोग उसे अनलॉक कर सकते हो, आप लोग का जो ऑप्शन रहती है ग्रो के अंदर। देखो, सिंपल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्रो के अंदर आप लोग का अकाउंट को लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे ही लॉग इन कर दोगे, यहाँ पे राइट साइड के अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एफ एंड वो फीचर्स एंड ऑप्शंस की ऊपर में एक हेडिंग आ रहा है। ये फीचर्स आप लोग को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग एंजल ब्रोकिंग के अंदर मतलब वन एंजल वन के अंदर जैसे आप लोग ऑप्शन वगैरह कर सकते हो, जरूरदा के अंदर जैसे ऑप्शन वगैरह कर सकते हो, वैसे ही आप लोग ग्रो के अंदर भी ऑप्शन करके बहुत सारा अर्निंग करा सकते हो। देखो सिंपल, अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करोगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन तो मेरे में दिख रहा है। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा, तो आप लोग थोड़ी दिन वेट कर जाओगी, तो भी आप लोग को दिख जाएगी। यहाँ पे सिंपल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अनलॉक फीचर्स एंड ऑप्शंस के यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल प्रोसीड टू अनलॉक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेव हुई है लास्ट 6 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो सिंपल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट 6 मंथ है ना, उससे आप लोग को आप लोग की जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट रहती है ना, ट्रांजेक्शन रहती है ना, उससे आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। आप लोग जाओगी नेट बैंकिंग के थ्रू उसे डाउनलोड करोगी पीडीएफ फाइल के अंदर, और यहाँ पे आप लोग यहाँ से अपलोड कर दोगी। यहाँ पे देखो अपलोड कन्फर्म अप्रूव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारी ऑप्शन है, बट आप लोग किसी भी एक ही ऑप्शन को अगर चूज़ करोगी तो चलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट को आप लोग को रखना पड़ेगा, और उसके बाद एग्री टू ऑल द टर्म एंड कंडीशन के ऊपर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। देखो अगर कोई डाउट वगैरह
अगर आप लोग को आती है तो डेफिनेटली आप लोग इन लोगों की टर्म एंड कंडीशन को पढ़ सकते हो, और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करोगी, यहाँ पे आप लोग को आप लोग की फाइल को ऐड करना पड़ेगा। सिंपल मैं मेरी फाइल को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद सबमिट इनकम प्रूफ को मैंने क्लिक करा। तो जैसे ही क्लिक करोगी यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ प्रोसेस होगा, और ये 20 to 48 आवर लग सकते हैं, आप लोग की जो चेकिंग की प्रोसेस भी लग सकता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी नंबर पर एक मैसेज भी आया होगा, मतलब OTP आया होगा। तो डेफिनेटली आप लोग की जो मोबाइल के अंदर जाके ये OTP को ला के यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को सुनाई दे रहा होगा उसका आवाज़, और यहाँ पे मैंने ऐड कर रहा हूँ मेरी OTP। तो मैंने OTP को यहाँ पे फिल करा, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिसीव रिक्वेस्ट टू अनलॉक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने सबमिट कर चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट विल बी एक्टिव वंस योर डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड। जैसे ही हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगी, जैसे ही हमारी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगी, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ें जो है ना, हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं इन्वेस्टमेंट अंदर के जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ मतलब शेयर बाय करा था, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 570 रुपीज़ के हिसाब से मैंने 25 शेयर को बाय करा था, और जो कि है 1 स्लॉट। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ही स्लॉट मतलब 25 शेयर आप लोग को बाय करना पड़ेगा, जो कि 5.7 प्राइस के हिसाब से मैंने बाय करा था, और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला था 30 रुपीज़। तो आप लोग वैसे ही जितना पैसा यहाँ पे लगा सकते हो लगा के आप लोग बहुत ज़्यादा अर्न भी कर सकते हो। उसके बारे में मैं आप लोग को और एक वीडियो के अंदर बताऊंगा, और बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैं डालने वाला हूँ इस टॉपिक के अंदर। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते रहना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना। तो फ्रेंड्स ये था कुछ इन्फॉर्मेशन को चीज़ें, अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।